हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो मैं जॉब अपडेट लेकर आया स्पेशली इन लोगों के रहने वाली जो एक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब खोज रहे हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, तो भाई ये 4-5 मिनट का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैं सिर्फ 4-5 मिनट के अंदर आपको जो है एक बहुत ही अच्छी जॉब के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको 6 महीने की ट्रेनिंग करनी है, जिसमें आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 21,000, और जब एक बार आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपकी सैलरी हो जाती है 35,000 रुपीज़ पर मंथ की आपकी सैलरी होने। कोई सेल्स टारगेट वाली या फिर कोई कॉलिंग वाली जॉब नहीं है यार। और जो हमेशा लोग कहते रहते हैं कि सर मैंने इस पर अप्लाई किया उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो भाई जैसे ही आप अप्लाई करोगे देख लो इस टाइप का एक मेल आ जाता है जिसमें क्लियर कट लिखा रहता है कि आपका जो नाम है, हेलो थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन एम्प्लॉयमेंट एट ब्रांच इंटरनेशनल, इफ योर क्वालिफिकेशन मैच आवर नीड वी विल कॉन्टैक्ट यू लर्न मोर अबाउट इट, और ये सब चीजें लिखी रहती है, आप देख सकते हो उसमें मेल। तो तुरंत ऑन द स्पॉट इसमें मेल आ जाने वाला है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच होती है तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। वाईफाई का रीइंबर्समेंट और सब कुछ उसी में आपकी सैलरी में ऐड होके आपको मिल जाने वाला है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपका कोई सेल्स टारगेट नहीं है तो फिर आप आराम से इसमें, आपको जो है इसमें जैसे लोग एचआर बनना चाहते हैं, इंटरव्यू लेना चाहते हैं, ये सब चीज़ें, तो ये एक एचआर के लिए बहुत ही अच्छी स्कोपफुल जॉब है। लोग सोचते हैं कि यार हम जब तक बीबीए नहीं करेंगे, एमबीए नहीं करेंगे, एचआर नहीं बन सकते, नहीं, तो इसमें आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर कर रहे हो तो बिंदास आप इसमें अपना जो स्कोप है, जो करियर है, अगर एचआर की फील्ड में हो तो आराम से इसमें आप कर सकते हो। कंपनी कौन सी है? कंपनी इंटरनेशनल कंपनी, जिसके कंपनी का नाम है ब्रांच इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल बैंक से जो कि अपने लोन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वेरियस अदर कस्टमर्स को, आरबीआई से भी आप देख सकते हैं अप्रूव्ड है, और 50,000 या उससे प्लस के जो भी लोन है एनी टाइम ऑन देयर मोबाइल फोन यू कैन इजीली अप्लाई एंड यू कैन गेट। तो ये चीज इसमें होने वाली है, ठीक है। तो ये तो इसकी कंपनी है, एक बार आप इसकी कंपनी के बारे में डिटेल पढ़ लेना, इंटरव्यू में जाने से पहले पूरी डिटेल इस कंपनी की दी हुई है, आप देख लेना भाई फटाफट, ठीक। मैं जल्दी से काम की चीज पे आ जाता हूँ। टैलेंट एक्विजिशन 6 मंथ का इंटर्नशिप, आप इंटर्नशिप बोले या ट्रेनिंग बोले सब बराबर है, ठीक। इसका हेड ऑफिस आपका बैंगलोर में है, एंट्री लेवल, आप आराम से देखो। कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बता दिया भाई, अपने जो ये भी है अपनी जो बैंकिंग सर्विसेज है प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है जितने अपने कस्टमर से, देख सकते हो उसमें अर्लीस्ट प्रोडक्ट बाय पेपाल और कई लोगों से अटैच है, और 32 मिलियन डाउनलोड्स इसके हो चुके हैं इस ऐप के। और जॉब ओवरव्यू है, वी आर लुकिंग फॉर द पैशनेट एंड सेल्फ ड्रिवन रिक्रूटमेंट इंटर्न। सिंपल सीधी बात है यार, इसमें रिक्रूट करना है आपको, ठीक है। रिक्रूटमेंट एचआर का काम क्या होता है? रिक्रूट करना है। फाइनल स्टेज जो स्क्रीनिंग राउंड होती है वो आपको मिलने वाली है आपकी थोड़ी ट्रेनिंग के बाद। आपको स्क्रीनिंग राउंड का इंटरव्यू आपको लेना रहेगा, आपको देखना रहेगा कि सब सही है कि नहीं, कैंडिडेट को हम आगे फर्दर राउंड के लिए भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते। तो ये सब चीजें आपको अपनी टीम से बना के चलना पड़ेगा, अपने जो सीनियर एचआर होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम वही चीज है, उनकी स्क्रीनिंग करनी है, इंटरव्यू शेड्यूल कराना है ताकि फर्दर प्रोसेस में भेज सके। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस, कैंडिडेट का फिर बाद में रिक्रूटमेंट होने के बाद थोड़ा उनका एक्सपीरियंस और ये सब आपको चेकआउट करना है कि प्रॉपरली सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैंडिडेट जो है हमारे आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। डिग्री लेवल आपके पास होनी चाहिए, और एमबीए और पीजीडीएम वाले जो बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस मिल जाएगा, अप टू 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी स्टार्टअप है। तो ये सब चीज़ आप देख लो भाई, इसमें थोड़ी सी आपकी भाई एचआर के ले जा रहे हो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्ट्रांग आपकी होनी चाहिए। बेनिफिट्स आपको अच्छी खासी बेनिफिट्स मिलने वाली है, वर्क फ्रॉम होम है, कंपटेटिव सैलरी है, टोटली मंथली स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है, जैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कोलैबोरेटिव विद कंपनी के वेरियस कल्चर सबको आपको मिलजुल करके चलना पड़ेगा। फॉर्म जस्ट उसके बगल में ही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, ये सब आपको लिखना है यहाँ पे। अपना आपको अपना रिज्यूम अटैच करना है, व्हाट इज योर टोटल एक्सपीरियंस, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, फ्रेशर तो फ्रेशर, नहीं तो फिर आपको कोई एक्सपीरियंस आप डाल सकते हो। हैव यू एवर वर्कड ऑन कैंडिडेट शेड्यूलिंग अर्लियर? अगर करे हो तो यस, नहीं तो फिर नो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वुड यू से दैट यू आर स्ट्रक्चर्ड इन द वे दैट यू वर्क? इफ येस, प्लीज टेल अस वाई यू थिंक सो। आप कोई भी काम करते हो भाई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करते हो कि नहीं करते हो? अगर करते हो तो कैसे करते हो, क्या आपको स्पेशल बनाता है? तो ये सब चीजों के बारे में भाई एक अच्छी से प्लानिंग करके 4-5 लाइन का इसमें आराम से आप इसको लिख देना, खाली मत छोड़ना। वैसे खाली जितने एस्ट्रिक वाले होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, खाली नहीं छोड़ा जाता है। आर यू फैमिलियर विद एक्सेल? अगर येस है तो येस, नो है तो भाई इसको आप आधे घंटे का अपना यूट्यूब से पढ़ लेना, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस करने के बाद तब आपको उसको येस कर देना है। When is the earliest that you can join? कितनी जल्दी ज्वाइन कर भाई, अर्जेंट है तो आप जल्दी से जल्दी अर्जेंट लिख सकते हो, आप इमीडिएट लिख के ज्वाइन कर सकते हो या फिर जो भी डेट है आप लिख सकते हो उसमें। What is your current location? आप अगर बैंगलोर से तो बैंगलोर, नहीं तो फिर अदर्स लिख सकते हो, और फिर उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके फिर सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हो। आई बिलीव यू, जो इन्फॉर्मेशन भाई मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट बिंदास कमेंट करो, मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा यार कि मैं आप लोगों का कमेंट देखूँ, लेकिन भाई मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं जैसे देखता हूँ तुरंत सबको कमेंट करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो यार। प्लीज आप लोग जम के उसको लाइक शेयर करो यार, बहुत मेहनत लगती है आप मेरे साथ, प्लीज दो, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आऊंगा आपके साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।